हेलो गाइस, आज बात करेंगे टीवीएस एक्सेल 100 के बारे में। ये गाड़ी बहुत लोग लेना चाहते हैं, लेकिन इसका ईएमआई कितना आएगा, इसका डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा, सब कुछ आपको इसी वीडियो में डिटेल में मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, आप सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे इस गाड़ी के टोटल 6 वेरिएंट मार्केट में आता है, जैसे कि कम्फर्ट, हैवी ड्यूटी। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेरिएंट, मतलब 6 मॉडल इस गाड़ी की आता है मार्केट में, ठीक है। तो इसमें से हम आज ईएमआई कैलकुलेशन करेंगे या प्राइस देखेंगे इसका। कंफर्ट आई टच स्टार्ट इसका टॉप मॉडल है, नीचे वाला सेक्शन आप देख सकते हो। तो इसी को आज हम ईएमआई कैलकुलेशन करेंगे, कितना डाउन पेमेंट करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टीवीएस एक्सेल 100 कम्फर्ट आई टच स्टार्ट का एक शोरूम प्राइस है दिल्ली में 56,360 रुपया। आरटीओ का खर्चा आ जाएगा 3,948 रुपया। इंश्योरेंस का खर्चा आ जाएगा 5,850 रुपया। और यहाँ पे एक आदर्श का खर्चा जोड़ा गया है, जो गाड़ी के गार्ड वगैरह होता है, उस सभी को मिला के इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस आता है दिल्ली में 69,667 रुपया। ये गाड़ी दिल्ली का प्राइस है, लेकिन इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा, अगर आप दिल्ली के आसपास वाले इलाके में रहते हो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। चलिए आज हम इस 69,667 रुपये को फाइनेंस करते हैं और देखते हैं कितना क्या ईएमआई या बाकी सब कुछ क्या आता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर खोल लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने उस अमाउंट को यहाँ पर पेस्ट कर दिया 69,667 रुपया। और अभी आप मान लीजिए कि आप इस गाड़ी को लेते वक्त 15,000 या 20,000 रुपया डाउन पेमेंट करना चाहते हो। चलिए मान के चलते हैं कि इस गाड़ी को लेते वक्त 15,000 रुपया डाउन पेमेंट करना चाहते हो। तो अगर आप इसमें 15,000 रुपया डाउन पेमेंट करते हो तो आपका यहाँ पे लोन अमाउंट हो जाएगा 54,667 रुपया, आपका लोन अमाउंट हो गया। ये मैंने आपको 15,000 रुपया सबसे मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में बताया, अगर आप चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बस 3 साल के लिए फाइनेंस कराना है, तो मैंने यहाँ पे 3 साल लगा दिया। और यहाँ पे इस गाड़ी की इंटरेस्ट रेट होगा 10%, ठीक है। तो ये गाड़ी अगर आप ऑफ़र में लेते हो तो 5% से 7% में मिल सकता है, और अगर ऑफ़र नहीं है तो 12%, 13%, 10% में आपको मिल सकता है। लेकिन जब भी आप गाड़ी लो तो शोरूम वालों से, जो फाइनेंस आपको करा रहा है, उससे आप पूछो कि कितने परसेंट इंटरेस्ट मेरा पकड़ा जा रहा है। अगर आप पूछोगे नहीं तो 15-20 भी लगा सकता है। तो मैंने यहाँ पे एवरेज 10% इंटरेस्ट रेट लगा दिया। तो 10% इंटरेस्ट रेट लगाते आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका ईएमआई आ जाएगा महीने का 1,764 रुपया। और आपका जो टोटल इंटरेस्ट, मतलब टोटल आपको 3 साल तक कम्प्लीटली, जब आपका फाइनेंस कम्प्लीट हो जाएगा तब तक आपको 8,835 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा आपका जाएगा, आप ये भी सोच सकते हो। और गाड़ी की जो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो, 63,502 रुपया, प्लस इसमें 15,000 रुपया जोड़ दीजिए, वही आपकी गाड़ी की टोटल कॉस्ट आएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि 1,764 रुपये में से पर मंथ हमसे कितना रुपया इंटरेस्ट इसमें जोड़ा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, 245 रुपया 54 पैसा आपका पर मंथ ईएमआई में इंटरेस्ट जोड़ा जा रहा है। और अगर आप इसको 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख लीजिए, 2 साल के लिए फाइनेंस कराती आपका यहाँ पे ईएमआई जो है 2,523 रुपया हो जाएगा। और आपका इंटरेस्ट जो ज़्यादा जा रहा था 8,000 कितना, अभी यहाँ पे हो चुका है 5,876 रुपया। और गाड़ी की टोटल कॉस्ट भी कम हो जाएगा, वो है 60,543 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इसी में भी 244 रुपया इंटरेस्ट जो आपकी ईएमआई में जोड़ा जाएगा। और इसमें आप देख सकते हो, अगर आप 1 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, गाड़ी की कीमत बहुत कम है, बहुत लोग 1 साल के लिए भी फाइनेंस करा सकता है, लेकिन यहाँ पर ईएमआई काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, वो है 4,806 रुपये, यानी 4,806 रुपये आपका पर मंथ इंटरेस्ट, मतलब ईएमआई जाएगा। और आपको गाड़ी की फाइनेंस कंप्लीट होने तक आपको 3,006 रुपये एक्स्ट्रा बिल पे करना पड़ेगा। और गाड़ी की टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ रहा, देखिए 57,673 रुपये प्लस 15,000 रुपये आप जोड़ सकते हो, जितना आएगा उतना आपकी गाड़ी की टोटल कॉस्ट हो जाएगा। और इसमें अगर आप जानना चाहते हो कि कितना ईएमआई में इंटरेस्ट जोड़ा जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ, 250 रुपया आपका यहाँ पर मंथ ईएमआई में इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा, अगर आप 1 साल के लिए लेना चाहते हो तो। अगर आप चाहते हो कि गाड़ी को कैश में ले लिया जाए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे गाड़ी की ऑन रोड प्राइस आपके सामने मौजूद है, आप गाड़ी की ऑन रोड प्राइस देखकर ले सकते हो। इसी गाड़ी को लेना चाहते हो तो 69,607 रुपया। अगर हैवी ड्यूटी आई टच स्टार्ट विन एडिशन को लेना चाहते हो तो 69,400।
69 रुपये। अगर आप हैवी ड्यूटी आइटा चेस्टर को लेना चाहते हो तो 56,789 रुपया। हैवी ड्यूटी आइटा चेस्टर स्पेशल एडिशन को लेना चाहते हो तो 57,796 रुपया। हैवी ड्यूटी को लेना चाहते हो तो 60,220 रुपया। और कंफर्ट को लेना चाहते हो तो 57,710 रुपया। लेकिन मैंने आपको इसी वाले वेरिएंट का ईएमआई कैलकुलेटर इसलिए दिखा ताकि आपको इसमें सेल्फ भी मिलेंगे और बाकी जितने भी वेरिएंट आपको सब कुछ इसमें मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर इसी तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हो, इसी गाड़ी का किसी और स्टेट के बारे में फाइनेंस कैलकुलेशन या और भी कुछ किसी और गाड़ी का देखना चाहते हो तो नीचे जाकर कमेंट करो, आपका डिटेल्स लिख दो कि कहां का देखना चाहते हो, कौन सी गाड़ी का फाइनेंस कैलकुलेशन देखना चाहते हो, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।